खेल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे प्लेयर्स कैसे तो जैसा कि हमारे पराजयों हैं राजेश कुमार यादव जो स्टेपल के बाहर हैं और भूतपूर्व क्रिकेटर ई रहमान और उनके प्यारे भाई जो आज की निर्णायक मंडली होगी आज
खेल इसके पहले भी हुआ है तो उस वक्त बड़ा शांतिपूर्ण हुआ, बड़ा अच्छा खेल का प्रदर्शन हाजीपुर वालों ने किया और सिवान से था जिसमें मतलब कि कुछ विकेट से वो ये कहना है कि हाजीपुर वालों को पराजित हुई और खेल में जीत हार लगी होती है, खेल में जीत हार लगी रहती है। इसमें जो है किसी को किसी को इस तरह करके हम हार गए, खेल जीत है, एक जीत होती है खेल और जो हारता है उसका मनोबल और बढ़ता है। तो हमारी ये इच्छा है, हमारी ये दुआ है, समस्त लोग जो है खेल कूद में हिस्सा रहे। यूपो में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, क्या संदेश देंगे इन नौजवानों को? सारे पढ़े लिखे बच्चे नजर आ रहे हैं, सारे हाई स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं। अब उनको मैं यही क्योंकि मैं भी बिहार से 1970 से लेकर 1973 तक मेरी उम्र 70 साल हो गई, आज भी खेल से उत्सुकता है और ये दुआ करेंगे कि हमारे बच्चे सारे खुश रहें और खूब खेल ज्यादा हो। हिमांशु एक बार फिर तैयार फैज के लिए, फैज जो कि लंबे कद का खिलाड़ी है, लंबा अनुभव उनके पास। हिमांशु तैयार, राउंड की विकेट गेंदबाजी करेंगे फैज के लिए। माफ कीजिएगा, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं तो ओवर की विकेट गेंदबाजी करेंगे। हिमांशु तैयार फैज के लिए और पूरी तरह फिट हुए, यहां पर गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं, छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। तो इसी बीच आज के जो मेहमान खुशी है मोहम्मद अली खान साहब, समाज से जो इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता है, उन्हीं के द्वारा इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। हम उनका अपनी कमेटी और तमाम बहारिया के लोगों की तरफ से उनका हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत करते हैं। तो धीरे धीरे काफिला ग्राउंड यानी जो गेट है उसकी तरफ
प्रवेश द्वार पे प्रवेश करेंगे और इस खिलाड़ी का और इसी नीचे तो लगातार कहीं तो खराब लेकर गेंदबाजी करते हुए जो दिशा है वो अच्छी नहीं है। वाउंड लगभग बल्लेबाजों के लिए तो अभी हमारे जगतदार क्या हुआ और एक शॉट और आउट हो गए फैसल। और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर सोनपुर रेलवे को लगातार दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे मगर पट्टी हुई गेंद तो इसीलिए हमारे यहाँ के उद्घाटन करता है हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद अयूब खान साहब वो ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं मंच पर बस पहुंचने ही वाले हैं। हम उनका हार्दिक आभार खुश आमदाद करते हैं। तेरे आने की जब खबर बहके तेरी खुशबू से सारा घर बहके याद आए तो दिल का नंबर हो जाए तो नजर बहके इस्तकबाल करते हुए हम तमाम प्रहरिया निवासी और इस भव्य टूर्नामेंट का उद्घाटन करता मोहम्मद अयूब खान साहब जो कि खेसारी जी के जुड़े रहे हैं और आज का बाबा साहब गांधी मई भक्त सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए काफी दिनों से चर्चा चल रहा था। अयूब खान बिल्कुल यूनुस जी जो बेसब्री थी वो समाप्त हुई और आप हमारे जो उद्घाटन करता है मोहम्मद अयूब खान साहब उनका इस्तकबाल करने के लिए तमाम बहरिया के लोग यहाँ हाजिर हैं। हम उनका खुश आमदेद वेलकम स्वागत करते हैं और मंच पर बस कुछ काफी भीड़ है मंच को जो लोकल लोग हैं स्थानीय लोग जो लोग हैं वो मंच को खाली कर दें। जितने जो स्थानीय लोग हैं वो मंच को खाली कर दें प्लीज। और हमारे उद्घाटनकर्ता बिल्कुल मंच के सामने आ चुके हैं मोहम्मद अयूब खान साहब उनका हार्दिक अभिवादन हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्यादा लोग मंच पर नहीं आ गए प्लीज सिर्फ उनको आने दें। आप लोग धक्का मुक्की मत करें। तो स्वागत है आज के हमारे उद्घाटनकर्ता मोहम्मद अयूब खान साहब का। स्वागत करता हूँ और
तमाम मैं ये बोल चुका हूँ कि जितने भी दर्शक हैं वो जगह ले रहे हैं, सभी लोग एक जगह ही खड़े हो जाएंगे, ये मौके नहीं है। तो इस समय दूसरे ओवर पर गति पर 11 रन एक विकेट के नुकसान का सूत्र रन दे और इसे खेला है कोई फील्डर नहीं उस ओवर। 6 रनों का इशारा आता हुआ इस तरह से पहला छक्का लगता हुआ इस समय बॉलिंग अमरिंदर कर रहे हैं।
भक्तों के लिए उसे खेला है सीधे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में चार रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 25 रन एक विकेट के नुकसान पर इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मुन्ना टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जोधपुर रेलवे की टीम फैल के रूप में एक झटका लगा है और इस तरह से हमारे आज के मुख्य अतिथि जनाब अयूब खान साहब जी का आगमन हो चुका है। हमारी पूरी कमेटी पूरी सद्भावना टीम उनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती है। ओटीपी आ रहेगा ओटीपी हाँ ऐप कोड दे दो चलेगा और अब ऐप कोड दे दो चलेगा हिमांशु आए हैं एक बार फिर अभी आया रहेगा ऐप कोड देखिए ऐप कोड जाएगा अभी और उनकी गेंदों का सामना करेंगे हाँ हिमांशु पटकी हुई है पूरी तरह से झटका है यहाँ पर 7092 ठीक है चलेगा ओके थैंक यू अच्छी गेंद कही जा सकती है अभी तक। राजेश सर पावर प्ले खत्म होगा तो गेंद को रोक दीजिएगा ना रहेगा देखिए ना था तो अभी इस समय देखिए मजा तो ऊपर संतोष बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखा उसे गली क्षेत्र में खेलकर एक रन पॉइंट की तरफ खेलकर एक रन लेना चाहते थे मगर वहां पर आके जावेद मुस्तैद और रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया वहां पर। दोनों ही गेंदें इस ओवर में हिमांशु ने अच्छी लाइन और लेंथ पे डाली है पहले ओवर के मुकाबले रोड एक छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक बहुत ही किफायती गेंदबाजी इस ओवर में हिमांशु के द्वारा और अब इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे तरुण हिमांशु इस पर भी तैयार काफी लंबा बॉलिंग रन ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए और आगे निकलकर उसे खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी नसीब को ली गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में हिमांशु के द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से आजादी नहीं दी है इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी जो कि पावर प्ले चलता हुआ पावर प्ले हिमांशु इस पर फिर तैयार तरुण के लिए और इसे खेलकर हल्के हाथों से एक रन लिया यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 27 रन एक विकेट के नुकसान पर जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक हिमांशु के द्वारा और आज का शानदार पहला लीग मुकाबला सोनपुर के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हिमांशु इस बार तैयार संतोष के लिए और संतोष ने हल्के हाथों से खेल कर रन लेना चाहा लेकिन बहुत ही मुस्तैद वहां पर अरकान। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है 27 रन सोनपुर रेलवे का स्कोर एक विकेट के नुकसान पे और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में हिमांशु के द्वारा मात्र 2 रन दर्ज किए इस ओवर में। पहले ओवर में थोड़े से फटके जरूर थे लेकिन उन्होंने फाइट का विकेट भी लिया खुद फॉलो थ्रो पे बॉलर नेम तो इस समय लोकेश पांडे
कर देगा। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करेंगे, उनकी गेंदों का सामना करेंगे, पूरा वाइड वाइड डाल देंगे सेटिंग, तरुण सामना करेंगे, आइकला भगत नहीं ना, और पाखिर ने कवर पे आप जाके इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं लोकेश, और इस उठा कर खेला है उसे फोर फील्डर में, सीधे मिडल के ऊपर बचे रन, और पहली गेम को बखूबी बढ़िया स्वागत किया है यहाँ पर तरुण ने, छह रनों का इशारा आता हुआ इस तरह से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 33 रन, और जो भी दर्शक किसी कारण बस अगर ग्राउंड पर ना हो तो लाइव मैच का प्रसारण देख सकते हैं पाटिल न्यूज पे, पांडे एक बार से तैयार, और तीन रन आउट कर दिया यहाँ पर, और एमपीडब्ल्यू करार दिया गया यहाँ पर, तो इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर तरुण जो कि नाखुश सीखते हुए वहां पर गेम संभवता वो सोच रहे थे लेकिन सब छोड़ के जाते हैं, मगर वहां पर सीधे विकेट के सामने पाए गए, और वहां पर कोई हिचकिचाहट नहीं, हमारे राजेंद्र सर निर्णायक जो है काफी अनुभवी अंपायर, और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ, और पांडे जो कि अपने कप्तान के ऊपर कप्तान ने जो उनको भरोसा दिखाकर गेंदबाजी दी थी उससे पूरी तरह से 100% खड़े उतरते हुए इस समय पांडे पहली गेंद पे छक्का जरूर खाया था लेकिन ढेर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर लोकेश पांडे, और तरुण का स्थान लेने के लिए विकास कुमार आए हैं जो कि चार नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और लोकेश पांडे पहली गेंद से मिडल के ऊपर से छक्का मारा था वहां पर तरुण ने, लेकिन लेफ्ट आर्म गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त वहां पर कुछ समझ नहीं आया तरुण को, और बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं विकास कुमार आए हैं जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, पांडे एक बार फिर तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता था नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन सुरक्षित संतोष अपने घर में, पांडे एक बार फिर तैयार, छोटा बॉलिंग रन और इसे उठाकर खेला है उसे फील्डर मौजूद है, देखते हैं, और ये निक्की भी कतरा हो गई आउट, और इस तरह से विकास कुमार मात्र दो ही गेंद का सामना कर गए बिना खाता खोले, विकास कुमार आउट होते हुए, और इस समय जबर भी खेलते हुए लोकेश पांडे जो की काफी धीमी गिनती से गेंदबाजी की हुई थी, और अगर से स्पिन खेलने के लिए गए और वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और इस तरह से तीसरा झटका लगता हुआ इस समय जोधपुर रेलवे को, और गजब की वापसी भी आई गई यहां पर इस समय लोकेश पांडे ने, राजेश सर ठीक है, दो ओवर के बाद रुकी, और आदित्य आनंद आए हुए हैं विकास का स्थान लेने के लिए, और विकास ने निराश किया है, शून्य पर आउट हुए वहां पर, और उनका जगह लेने के लिए है आदित्य आनंद, और इसे समय दो विकेट लेने के बाद पांडे के हौसले तो सातवें आसमान पर होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत ही जबरदस्त जिस तरह से पहली गेंद पे विकास ने छक्का लगाया था, माफ़ी तरुण ने छक्का लगाया था,
और ये कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से असफल। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए यहाँ पर लोकेश पांडे। और एक बार फिर और इसे खेलना चाहते थे लेकिन इस टाइम हुए वहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चार ओवर की समाप्ति पर 33 रन निश्चित ही पहली गेंद पे झटका पड़ने के बाद बॉलर दबाव में होता है लेकिन उस दबाव को पूरी तरह से कंट्रोल किया लोकेश पांडे ने और शानदार बॉलिंग का नमूना पेश किया और दो विकेट भक्तों को दो विकेट झटक कर इस समय सोनसू को बैकफुट पर ला दिया है इस समय। और हम लोगों के बीच बढ़िया के करीब हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर मोदी का आगमन होता हुआ मैं उनको पहले से शुक्रिया करता हूँ कि अपना वक्त निकाल कर हम लोगों के बीच अपना हॉस्पिटल कह रहा है। अरे और एक बार तो स्टैंड आनला बोलतो रे आपण हिमाचल की लगातार अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं। रोड एक रन से गेंदबाजी कर रहे हैं असंतोष और इसे खेलना चाहते थे वो कर लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेम पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। संतोष की सामना कर रहे हैं इस समय हिमांशु एक बार फिर तैयार अच्छी गेंद जोरदार अपील लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास से कम लेग पाई का इशारा आता हुआ यहाँ पर ना कि एक बार दल को तो एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34-3 विकेट के नुकसान पर सोनपुर रेलवे का। तीन विकेट खो चुकी है इस समय पावर प्ले के अंदर ही। आदित्य पहली बार सामना करेंगे हिमांशु की गेंदों का इस ओवर में और हिमांशु कोचेगा लगातार तीसरा ओवर लेकर। और अच्छी गेंद एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आदित्य को। इस तरह से आदित्य ने अपना खाता खोला कुल स्कोर जहां पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और यहां पर हमारे दर्शक में काफी उत्साह और हमारे यहाँ अलग अंदाज की टीम भी पहुंच चुकी है यहाँ पर हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं और इसे खेलना चाहते थे लेकिन अपने पूर्व में खुद फील किया यहाँ पर गेंद को और रन की किसी की संभावना को समाप्त किया। तो आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मोहम्मद अयूब खान साहब समाज से जो इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता है बस कुछ ही देर में और ये उठाकर खुला है उसे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं देखते हैं पात्रत्व नहीं और बस कुछ ही देर में टूर्नामेंट का मुख्य हाथों से उद्घाटन किया जाएगा और आपको बैटिंग करके भी वो दिखाएंगे स्पॉट में रह चुके हैं वो तो आज उनसे हम लोग बैटिंग भी कराएंगे। तो जो आज के हमारे मेहमान है खुसूसी मोहम्मद अयूब खान साहब जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं और साथ में छोटे भाई मोहम्मद चांद खान और सुपुत्र सुपुत्र सैफ खान भी मंच पर मौजूद है हम उनका इस टूर्नामेंट और तमाम प्रहरिया के निवासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिवादन हार्दिक स्वागत करते हैं। अड़तीस रन 3 विकेट के नुकसान थे पांचों रन प्रगति पर
विमान को उपस्थित तैयार दिशाहीन में लुआइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर 39 का पहुंचा है स्कोर सोनपुर रेलवे का 3 विकेट के नुकसान से ओवर 5 ओवर प्रगति पर ओवर ओवर विमान से उपस्थित तैयार आजाद दिशा किनारा लगता हुआ यहाँ पर उस तरफ छोटे टिकट का पतन हुआ खेल को रुक दिया सर अभी और इस तरह से और जो भी डिसेंटेड पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ग्राउंड में प्रवेश कराया जाए डिसेंटेड पब्लिक स्कूल के जो बच्चे आए हुए हैं उनको ग्राउंड में प्रवेश कराया जाए और कोई भी दर्शक अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे अपनी जगह पर आएंगे मजे आऊंगा मैं कैमरा काटूं कैमरा काट जाऊं मुझे मिले रहा जो
यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो मैं अपने टूर्नामेंट के अध्यक्ष जकरिया खान से गुजारिश करूंगा कि अगर सारे कार्य मुकम्मल हो गए हों तो आप तमाम मेहमानों और खासकर आज के जो उद्घाटन करता है जनाब मोहम्मद अली खान साहब, उनको लेकर ग्राउंड में प्रवेश कराए और इस टूर्नामेंट का आगाज किया जाए, यानी इनॉग्रेशन जो उद्घाटन हो उसे कार्य को संपन्न किया जाए। सूरज हूँ रोशनी की शपथ छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ रोशनी की शपथ छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तरफ छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो बिल्कुल सही धज के तैयार है इस टूर्नामेंट का पहला मैच जो खेला जा रहा है सोनपुर रेलवे बनाम एयर इंडिया अशोक लेवन के बीच। चलिए अगर तैयारी करनी गई है तो वक्त को देखते हुए इतिहास सर आप उद्घाटन के लिए ग्राउंड में प्रवेश करा दी जाए। और साथ ही मैं तमाम मीडिया कर्मी जो यहाँ मौजूद हैं और खासकर बॉम्बे से चलकर जो इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, तमाम मीडिया कर्मी का हम अपने टूर्नामेंट की तरफ से उनका शुक्रगुजार हैं, उनका स्वागत करते हैं जो बहुमूल्य समय निकालकर इस टूर्नामेंट को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाते हैं और इसे जनाब मोहम्मद अली खान साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जकरिया खान मेहमानों को लेकर ग्राउंड में प्रवेश करें ताकि उद्घाटन कार्य प्रारंभ किया जाए और खेल की शुरुआत हो। और साथ में
और
मुन्ना चालू चलेगा Thank you.
एक इनिंग जाली का पब्लिक वर्क घेऊन जा तुम्ही हा और गेंदबाजी में एक बार फिर लोकेश पांडे तो यह आसान मुकाबला नहीं रहने वाला है इस समय लोकेश और बहुत ही खूबसूरत शॉट लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर और इस तरह से एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा उस समय आदित्य को उनचास पहुंचा है कोई स्कोर सोल बोलने का सात विकेट के नुकसान पे मजा ना वही इकड़े लोकेश एक बार फिर अच्छी गेंद मजा कैमरे तो का अच्छी गेंद अबुन पहेली बने हुए हैं इस समय लोकेश पांडे और लचाया यहाँ पर हवा दीजिए गेंद को थोड़ा बल्लेबाज को निमंत्रण किया आमंत्रित किया कि आइए आप ऊपर से लगाइए शॉट लेकिन इस समय सोनपुर के बल्लेबाज थोड़े से दोमट में और इसे कलाइयों का सहारे छोड़ दिया है स्कोर के बगल में अब चार रन यहाँ पर मिलता इस तरह से पड़े हुए अभी अभी हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद अनिल खान साहब ग्रंथ की तरफ से खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार आया है कि अगर लगातार तीन छक्का यानी हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अगर वो हैट्रिक सिक्स लगाता है कोई बल्लेबाज तो उनको हमारे मेहमान मोहम्मद अनिल खान साहब की तरफ से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा तो बिल्कुल गोल्डन चांस है बल्लेबाजों का लेकिन परिस्थिति यह है कि सोनपुर के टीम का लगभग 7 विकेट गिर चुका है और यहाँ पर अपील लगी दिशाहीन गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का इशारा आता हुआ 54 पहुंचा है
डबल के नुकसान पे और लोकेश एक बार फिर और इसे खेला है मिड ऑफ क्षेत्र में उस ओर फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 55 जा पहुंचा इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 7 विकेट के नुकसान पे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोनपुर के बल्लेबाज पूरे ओवर बल्लेबाजी कर पाते अथवा नहीं। दोनों ही बल्लेबाज आपस में कुछ मतगणना करते हुए ये देखना काफी रोचक होगा। हमारे मेहमान जनाब अयूब खान साहब की तरफ से बल्लेबाजों के लिए जो पुरस्कार रखा गया है बेसिस पर 10,000 रुपए का, तो ग्राउंड के हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत है कि अपने टीम के लिए भी खेलें और साथ में इस पुरस्कार को अपने मन में भी रखें कि 3 छक्का लगाने या 3 लगातार हैट्रिक लगाएंगे। छक्का लगाते हैं लगातार 3 तो उनको 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आज उनके समय हैट्रिक पर थे, क्या वो अपना हैट्रिक ले पाएंगे? और इस तरह चूके यहाँ पर छप्पन जा पहुंचा है जगमोहन चौधरी। पिछला ओवर इनका कमाल कर रहा है, 3 विकेट इन्होंने मात्र 2 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए और क्या खेल रहा है इस समय जगमोहन के लिए। कमर तोड़ कर रख दी मध्यक्रम की सोनपुर के बल्लेबाजी की। जगमोहन एक बार फिर तैयार और गेंद को देखा और पूरी तरह सब मार दिया। अच्छी गेंद मुझे तो स्टैंड आणला असं ना भारी झालं असं काम और हम इसे घूम कर मारना चाहते थे लेकिन दिशाहीन गेंद अंपायर पे इशारा वाइड। 57 रन जा पहुंचा है और अतिरिक्त रनों की संख्या जा पहुंची है। और इसे खेला है लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस समय फील्डर सीधे बल्ले से। आदित्य के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत चौका। एक सौ जा पहुंचा है स्कोर जबकि 9 ओवर प्रगति पर 7 विकेट हो चुके हैं इस समय सोनपुर रेलवे की टीम। जगमोहन एक बार फिर तैयार और इसे घूम कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद काफी नीचे रही। अच्छी वापसी कहेंगे जगमोहन के द्वारा और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जो भी गेंदबाज आए हैं इस समय एयर इंडिया देवरिया की तरफ से अपने कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह से खड़ा उतरा है उस बॉलर में। आदित्य जो कि 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे माफ कीजिएगा विकास रंजन बल्लेबाजी कर रहे हैं और जोरदार प्रहार यहां पर सीधे बल्ले पर 6 रनों के लिए और इस तरह से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 67 रन जा पहुंचा है कुल। अगर इस ओवर में ये 2 छक्के और लगाने तो निश्चित ही 10,000 के हकदार हो जाएंगे जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जनाब अयूब खान साहब के द्वारा दी जाएगी। आदित्य रंजन एक बार फिर तैयार विकास रंजन और घूम कर मारना चाहते थे दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा आता हुआ उस समय तो निश्चित ही अभी मौका है अभी रंजन के पास
नो बॉल का इशारा आता हुआ क्रीज यहाँ पर, तो यहाँ पर रंजन को डबल प्रेस का माधुरी ऑफर मिलता हुआ, पूरी तरह से लाइसेंस होगा यहाँ पर अटैक करने का। विकास रंजन के पास पूरी तरह से लाइसेंस होगा अटैक करने का। तो देखते हैं ये फ्री हिट पे क्या ये ऑफर का लाभ उठा पाते हैं अथवा नहीं। तो एक ही दूर बस, लेकिन एक अच्छे प्लेयर की निशानी कि पहले वो तीन हिट में जाए। पांडे अपने कोटे का समत आखिरी ओवर लेकर आए हैं और बांसी कट, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग पॉइंट पे कैप्टन जावेद के द्वारा। लोकेश पांडे और इसे घूम कर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह फिट हुए यहाँ पर। तो इस ओवर में देखना दिलचस्प होगा रंजन के जब स्ट्राइक पे आएंगे तो काफी रोमांच होगा। लोकेश और इसे हल्के हाथों से खेल कर एक रन लिया है और अब रंजन के पास स्ट्राइक और हैट्रिक पे होंगे। तो देखते हैं 10,000 के बिल्कुल करीब है वो, लेकिन चुनौती काफी तगड़ा क्योंकि लोकेश पांडे है सामने, तो जोरदार उत्साह भी बनाते हुए इस समय और इस तरह से बच गए हैं यहाँ पर। और ये ऑफर जो था यानी वो मौका था हैट्रिक का, वो चूके इस मौके से। और ये निश्चित विचार रन, और अगर इस पिछले गेम की बात करें तो लोकेश के लिए ध्यान देना शायद इस छक्के का, हैट्रिक छक्के का, तो वो उन्होंने गेंदबाज से काफी दूर रखा, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी की। 80 रन जा पहुंचा है कुल लोकेश एक बार फिर तैयार और इसे खेला है पीटर के ऊपर से दिखती नहीं है। चार रन पॉइंट बाउंड्री के बाद पांडे गली के बीच से निकली है गेंद में। 84 रन 7 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति पर। तो अभी 10 ओवर का पूरा खेल बचा हुआ, निश्चित इस तरह से विकास रंजन जो कि 27 के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं और उनका बखूबी साथ दे रहे हैं पवन। तो पवन और विकास रंजन की जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच और एक बार फिर तहलका मचाने के लिए अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं चंदमोहन। हालांकि दूसरे ओवर में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे। और पवन सामना करेंगे जगमोहन की गेंदों का और यहां पर शायद इस गेंद में कुछ परेशानी होती हुई शायद। Let's go.
जगमोहन तैयार और यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम लेग पाई का इशारा आता हुआ स्कोर जा पहुंचे इसे एक रन की मदद से 85 रन जबकि 11 ओवर पर गति पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था सोनपुर ने, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद ही निराशाजनक तरीके से हुई। पहले ही ओवर में झटका दिया उस समय अभिमन्यु ने, हिमांशु ने और इस तरह से इसे खेल कर एक रन लिया। यहाँ पर और आदिल भाई से हम गुजारिश करेंगे कि सभी मीडिया बंधु, सभी मीडिया बंधु से ये आग्रह है कि आगे मंच पे आदिल भाई से मिले। जगमोहन एक बार फिर और उसे खेला है उस खिलाड़ी मौजूद देखते रुक पाते अपना नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर मैदान क्षेत्र में 87 तक पहुंचा है स्कोर। जगमोहन तैयार और दिशाहीन गेंद, निश्चित ही वाइड का इशारा आता हुआ इस समय। रंजन जो की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, जगमोहन तैयार और इसे उठा कर खेला है मिडिल क्षेत्र में, निश्चित ही एक रन के लिए जाएगी गेंद पर और निश्चित ही छक्का से 94 हो जाए स्कोर और हम अपने स्कोरों से जान लगे कितने रनों की साझेदारी यहां पर बल्लेबाजों का हो चुकी है। लोगों के साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों को भी, जो कि महत्वपूर्ण साझेदारी कही जाएगी। और एक बार फिर उसी तरह का प्रहार करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चूके, यहां पर 34 से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय विकास रंजन, जिसमें शानदार 3 गगन छुपी छक्के और 3 आकर्षक सराहनीय चौका लगाकर बल्लेबाजी करते हुए इस समय और हल्के हाथों से खेल कर गली क्षेत्र में एक रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान आखिर कागज को बढ़ता से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 7 विकेट के नुकसान पे और एक 9 विकेट के रूप में काफी अहम साझेदारी कहेंगे सूर्य गुरु बड़ी पारी विकास रंजन और पवन के द्वारा। पानी लेकर हमारे जो भी फिरोज भाई जहां जाएंगे वो खिलाड़ियों को पानी प्रोवाइड करें। किती वेळ हातात पकडू रे मुन्ना, मुन्ना किती वेळ हातात पकडू माझा कॅमेरा घेत नाही ना, बॉलर वगैरे असेल तर घेते मध्ये मध्ये, आता नाही मिळत ना कॅमेरा माझा। और
हमारे जो इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं, हेलो सिवान सिटी हॉस्पिटल सिवान, गरीब हॉस्पिटल चढ़िया, अलनजीर मेडिकल चढ़िया, भारत हॉस्पिटल सिवान, मालिक फूड वेयर नया बाजार हॉस्पिटल रोड सिवान, हाँ हाँ ठीक है, और इस समय कप्तान लगता है खुद आशीष जाधव मोर्चे पे विजय चौक से गेंदबाजी करेंगे और उन गेंदों का सामना करेंगे पवन। पानी यहाँ लोकेश पांडे का भी बहुत शानदार रहा है स्पेल। और फुलटॉन गेंद निश्चित ही यहाँ पर खतरा हो सकता था, विकास रंजन जो की खुशकिस्मत रहेगी गेंद बल्ला जो था उनके क्रीज के अंदर था और अपना हाथ से वो टकरा ही चुकी थी गेंद। आखिर जावेद एक बार फिर तैयार, और अच्छी गेंद पूरी तरह से खो दिया वहां पर पवन को, थोड़ी हवा लेने की कोशिश करते हुए इस समय आखिर जावेद, और एक बार फिर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं, स्कोर रुका हुआ 94 रन। और उसे खेला है उसमें फील्डर मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे, निश्चित ही 4 रन। तो इस तरह से पवन से बल्ले से निकलता हुआ जो पवन के बल्ले से निकलता हुआ जो पहला चौका बाकी रहे दूसरा चौका, और स्कोर यहां पहुंचा है 98 रन। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई इस समय सोनपुर की टीम, और उसे बहुत खूबसूरत कैच वहां पर लगता है इस तरह से बहुत ही खूबसूरत कैच सीट में वहां पर बहुत ही दर्शनीय कैच, और इस तरह से पवन के विकेट का पतन हुआ और 50 रन की पार्टनरशिप को ब्रेक किया यहां पर कप्तान आखिर आशीष जाधव ने, और बहुत ही खूबसूरत कैच लगता है उस फील्डर का हम नाम जानना चाहेंगे जो कि हमारे इस टूर्नामेंट में बेस्ट ऑफ फील्डर का भी अवार्ड रखा गया है, तो निश्चित ये उसके हकदार होंगे, हम उनका नाम जानना चाहेंगे तो फील्डर से कैच लिया भी, नए बल्लेबाज राजू यादव जो कि पवन का स्थान लेने के लिए आए हैं। पंकज ने कैच लिया, पंकज बहुत ही दर्शनीय कैच वहां पर फर्स्ट बॉल के विकेट पे पूरी तरह से हवा में गोटा लगाते हुए गेंद को पकड़ा और पवन की पारी का अंत किया, और नए बल्लेबाज आए हैं राजीव यादव आए हैं, आशीष जावेद एक बार फिर तैयार, और यहां पर जोरदार अपील लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, 12 रन की समाप्ति हो चुकी है, रन का योग अभी भी 98 रन। और इस तरह से 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 98 रन 8 विकेट के नुकसान पर सोनपुर रेलवे की टीम, और
और गेंदबाजी के लिए आए हैं हिमांशु, दूसरे स्थिर में आए हैं हिमांशु, अपना आखिरी ओवर लेकर, कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं हिमांशु। हिमांशु तैयार विकास रंजन के लिए। और पैट को गेंद जाकर सीधे टकराई, गेंद को ग्लांस करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम किया। मंसूर एक बार फिर तैयार विकास रंजन के लिए। और इसे खेलना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ, शॉर्ट मिड ऑफ लगा रखा है वहां पे, और निश्चित ही दबाव में इस समय एक उम्मीद जगाई थी पवन और रंजन की साझेदारी ने, लेकिन पवन का एकाग्रता भंग हुई वहां पर। और इसे गेंद को ग्लांस किया लेग साइड में, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। लोगो लोगो
पब्लिकवर फिरू तुम्ही
Hurry,
हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, काका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। और चरखी रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो फकीर था सर्दी से मर गया। आखिरी शेर जो चार पढ़ता है अपने देश के लिए बाबा साहेब गांधी के टूर्नामेंट
खाता खोलते हुए बल्लेबाज पुरारी
एक बार फिर इसी भी
समाप्ति के बाद एयर इंडिया का
करते हैं ये लोग ही समय है। वही जो इस चौके लगाकर बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर सके एक बार भी ये वही लेफ्ट हैंड कॉर्नर के शिवस के लिए Hemashu.
और खेल दिया है पॉइंट बॉल के बाद चार ओवर में कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 25 रन पहुंच जाए एक विकेट के नुकसान पे है इंडिया देवरिया में कोई हूँ देवाशीष चेक पर गिर पूरी तरह सुन गए यहाँ पर
सम्मानित किया जाएगा। जो पंकज कुमार पत्रकार हैं उनके द्वारा कमेटी को फाइनल के दिन टूर्नामेंट कमेटी को सम्मान देंगे, सम्मानित किया जाएगा।
शानदार क्रिकेट देखने को मिलता होगा। फाइनल मुकाबले का एक अलग रोमांच इस समय, और फाइनल हमेशा से किसी और मैं
अगर किसी सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर लेफ्ट है तो अच्छा फाइट करेंगे, अच्छा फाइट करेंगे। स्कोरिंग सामने वाली टीम काफी, सामने वाली टीम काफी अच्छी थी और अच्छा बोलिंग है। रंजन भाई काफी अच्छे मैंने उनका नाम सुना था लेकिन आज उनके सामने बॉल डालने डाल रहा था तो पता चला कि रंजन भाई है। काफी अच्छा विकेट भी खेल रहा है यहाँ, लेकिन सामने वाली टीम में अगर लेफ्ट आर्म दो तीन अच्छे हो तो मैच यहाँ निकाल सकते हैं। स्पिनर का क्या रोल?